हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं के अलावा सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसका असर शनिवार को भी देखने को मिला। शनिवार को तकरीबन सभी जगह बाजार बंद रहे। दूध, फल, सब्जी, दवाएं और रोजमर्रा की सेवाओं की बिक्री करने वाली दुकानें ही खुली रखने के आदेश हैं। हालांकि इन दुकानों पर भी सामान्य से कम ही भीड़ देखने को मिली। वहीं आदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड से संबंधित एसओपी के तहत संचालित करने के आदेश हैं, लेकिन ज्यादातर होटलों में अन्य राज्यों के वीकेंड लॉकडाउन जैसे आदेशों के चलते सन्नाटा ही छाया रहा। शिमला में सरकारी आदेश के अनुसार ढाबे भी खुले रहे, लेकिन लोगों की आवाजाही कम होने के कारण ढाबों में ग्राहक न के बराबर थे। ढाबा संचालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार जो भी फैसला लेती है वो उसका पालन करेंगे, लेकिन रविवार और शनिवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य उत्पादों की बिक्री पर मनाही के कारण ग्राहक ढाबों में कम संख्या में आ रहे हैं और आमदनी नहीं है। ढाबा संचालकों ने मांग की है कि या तो सरकार पूर्णतया बंद करे या सभी दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शिमला में कई व्यापारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने कहा कि यदि सरकार बाजार को कुछ दिनों तक बंद रखने का फैसला लेती है तो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। काम तो है ही नहीं है, ये तो बाजार खुले तो काम हो, बाजार ही खुलेगा नहीं तो काम कैसे होगा। ये तो मेरे खर्चे पूरे नहीं करने वाली बात है, उल्टा और नुकसान है। सामान उड़ाया तो फेंकना पड़ेगा शाम को। किसान तो सर ऐसी क्या बोलते हैं सर, वो सरकार को देखें तो वो भी स्थिति देख कर कुछ ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते, बस इस टाइम तो यही है कि जान बचेगी तो सारे काम होते हैं, अगर जान ही नहीं बचेगी तो क्या है। बंद करना बंद भी कर सकते हैं, समय में निर्धारित कर सकते हैं, बट समय निर्धारित करते हैं तो फिर हमारा काम तो चलेगा नहीं, क्लियर बात है। हाँ सर बिल्कुल, इस टाइम बाजार का जो काम है बहुत कम है क्योंकि पूरा बाजार खाली है इस वजह से, और कोरोना की वजह से मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसमें पे। तो जैसे टाइमिंग कर देनी चाहिए निर्धारित कि सुबह के शाम करेंगे किस समय पे होनी चाहिए, करेंगे क्योंकि इस समय कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से फिर तभी सैटरडे संडे बंद किया गया। पूर्ण बाजार अब सर वैसे ही हिसाब से बंद ही है क्योंकि काम है नहीं मार्केट में, अब सैटरडे संडे ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। बाकी दिन तो जैसे चला है थोड़ा बहुत चलना चाहिए, बाकी लोगों को खुद की अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस, बाकी मास्क वगैरह लगा करके सैनिटाइजर का यूज़ करो।